करण मेरा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता, मॉडल और फैशन डिजाइनर है। उन्हें सबसे लंबे समय तक चलने वाले भारतीय टेलीविजन तारक में से एक के ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुख्य नायक नैतिक सिंघानिया के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्हें खटमले, इश्क, दो फूल एक माली में सुमित मिश्रा के लिए भी जाना जाता है। हिंदी टेलीविजन उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। वो बिग बॉस 10 के प्रतियोगिता भी थे। कर का जन्म 10 सितंबर 1982 को पंजाब के जलधारा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तब उनका परिवार दिल्ली आ गया। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और APJ स्कूल नोएडा से पढ़ाई की। वह विश्वविद्यालय में अपने बेंच में टॉपर थे। अपनी 12वीं कक्षा के बाद मेहर ने डोमिनोज पिज्जा में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षक के रूप में काम किया। मेहर मुंबई आए और निर्देशक राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा के लिए 4 फिल्मों में सहायक रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद वह फिल्म लव स्टोरी 2050 में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और TV विज्ञापन करना शुरू कर दिया। मैं नैतिक सिंघानिया की भूमिका निभाई। उन्हें 100 से एक बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने इसे जून 2016 तक लगभग 7.5 साल तक जारी रखा और फिर स्वास्थ्य समस्या के कारण इसे छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2012-13 में अपनी पत्नी निशा रावल के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए 5 और नच बलिए श्रीमान बनम श्रीमती में भाग लिया।